नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज के इस एपिसोड में वेदांता को डिस्कस करेंगे। स्लो एंड स्टडी वेदांता अपर साइड ट्रेंड करते दिख रहा है। इस समय 280 के प्राइस के आसपास ट्रेड कर रहा है। मंथली ट्रेंड भी देखेंगे कंसोलिडेट रहा, जबकि 6 मंथ में ठीक ठाक तेजी दिखी। आज एक बड़ी खबर आते दिखी है। क्या खबर दिखी? जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है, उन्होंने क्या कहा है इसको समझेंगे। ये जो रूरल कॉरपोरेशन है इलेक्ट्रिफिकेशन का, वो कहा है कि 70% तक जो है हम डेट देंगे। किसको? जो कोल पावर प्रोजेक्ट्स का लैंडिंग के रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, जिसमें अडानी पावर, JSW, इसार, वेदांता अमंग फर्म इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग एटलीस्ट 10 GW ऑफ कोल फाइड पावर कैपेसिटी इंडिया के अंदर बनाएगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी डिमांड काफी बढ़ते दिख रही है। लगभग सभी काम जो है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही हमारे रोजमर्रा के काम होते दिख रहे हैं, जिसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन के द्वारा जो रिक्वायरमेंट है उसको अगर पूरा करता है तो 70% तक डेट प्रोवाइड करेगी। तो मिनिमम 10 GW जो है वो कोल फाइड पावर प्रोजेक्ट कैपेसिटी बिल्ड करेगी, जिसमें वेदांता भी है। और वेदांता के इस समय जो है मुझे पर्सनली स्ट्रांग लगता है, क्योंकि मैनेजमेंट ने काफी बड़ी बातें कही है। 1 करोड़ 14 लाख के आसपास का वॉल्यूम है, जो रिसेंट के एवरेज वॉल्यूम तो नहीं है, ओकेजनली ही ऐसा वॉल्यूम दिखता है। सबसे अच्छी बात यहाँ अगर आप देखेंगे तो क्या पाएंगे, ये एक ट्रेंड लाइन है। जहां से कंटिन्यूअस स्टॉक देखेंगे इसी ट्रेंड लाइन से रिवर्सल लेता है, और ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। तो मिनिमम जो 300 वाला शॉर्ट टर्म का टारगेट है ये तो इजिली आपको दिखेगा। और हमने क्या कहा कि ये एक रेजिस्टेंस जोन रहा था 290, इसके लेवल के ब्रेकआउट पे काफी ट्रेंड दिखेंगे। अगर मैं आपको एक बार ये वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो शायद आपके व्यूज काफी स्ट्रांग हो पाएंगे। लास्ट टाइम देखेंगे तो सबसे पहले ये एक ट्रेंड लाइन देखें, ये एक ट्रेंड लाइन है जिस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करा तो पहला टारगेट हमारा 284.90 के आसपास का मीट होते हुए दिखा। अब जो दूसरा टारगेट इसके ब्रेकआउट पे है, जो 292 का ब्रेकआउट है, इसके ऊपर जो आएगा वो पहला 340 आएगा, दूसरा 420 आएगा और तीसरा 600 आएगा। कल भी हमने आपको बताया कि भसीन जी के डार्क हाउस जो है उसमें वेदांता भी है, और मिनिमम शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडर तो ये वाले लेवल, चूंकि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है तो मिनिमम ये लेवल तो आपका रहना चाहिए। वीकनेस कब तक नहीं आएगी? मिनिमम ये जो लेवल है 244 के नीचे की, जब तक क्लोजिंग ना हो स्टॉक बिल्कुल वीक।